विनय रजानी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विनय, आपके निफ्टी निफ्टी बैंक में ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? गुड आफ्टरनून वीरेन। निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि अभी हम सब जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी कॉल लेना ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला है, फिर भी मैं बाय कॉल लेना चाहूंगा निफ्टी में, ये कंसीडर करते हुए कि पिछले दो दिन में 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जैसे आपने भी डिस्कस किया है सपोर्ट लिया है, और जो 9 जनवरी को एक गैप अप ओपनिंग देखी थी उसी गैप के अंदर ही एक लो बना है लास्ट दो सेशन का निफ्टी का, और वहां से बाउंस किया है। 20 दिन की एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो क्रॉस हुई है, 3 दिन का हाई क्रॉस हुआ है, तो कंसीडरिंग दैट निफ्टी में 12,220 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 12,150 का एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और 12,300 का एक टारगेट अपने बांध के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो हमने दिसंबर में 30 दिसंबर को हाई बना था बैंक निफ्टी में 32,613 का, वहां से करीबन 2000 पॉइंट का एक फॉल देख चुके हैं, तो अच्छा खासा फॉल आ गया है। और अभी आईसीआईसी बैंक के कल नतीजे भी हैं, तो एक जिगजैग फॉर्मेशन बन सकता है, अच्छी खासी फॉल आने के बाद एक पुलबैक रैली आ सकती है, तो बैंक निफ्टी को 31,180-31,200 के आसपास आप लॉन्ग करके चलिए, 30,900 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 31,600 का टारगेट आप मान के चल सकते हैं। आपके तीन ट्रेड्स इस वक्त के विनय, आई मीन पावर, एनबीएफसी और सीमेंट पर आपने फोकस किया, समझाएंगे जरा प्लीज संक्षेप में थोड़ा सा? जी, सबसे पहला जो कॉल है मेरा टोरेंट पावर पे है, इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट हमने देखा है, पिछले 5-6 महीने से जो कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। पिछले दिनों में हमने पावर स्टॉक्स में भी थोड़ी मूवमेंट देखी, टाटा पावर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कंपेरेटिवली अगर आप चार्ट देखने जाएंगे तो टोरेंट पावर का चार्ट सबसे अच्छा है कंपेयर टू अदर पावर स्टॉक्स, तो इसमें अच्छी खासी ट्रैक्शन दिख रही है, 52-week हाई पे बनाया है रिसेंटली, तो 324 के करीबन आप पावर का जनवरी फ्यूचर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 316 का होना चाहिए और टारगेट 342 का होना चाहिए। सेकेंड पिक है मेरा एनबीएफसी में से एमएनएम फाइनेंस, अभी रिसेंटली हमने एनबीएफसी में अच्छी खासी ट्रैक्शन देखी, एलएनटी फाइनेंस में भी मूवमेंट अच्छी जा रही है, एयू स्मॉल फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस, छोटी बैंक्स में भी हमने अच्छी मूवमेंट देखी है, 200 दिन की रिसेंटली एक मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है, तो एमएनएम फाइनेंस का जनवरी फ्यूचर 366 पे आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 357 का होना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 382। थर्ड पिक मैं ऑप्शन में दे रहा हूं एसीसी, आप हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन में एक सीमेंट सेक्टर में जबरदस्त एक बाइंग चल रही है, रामको सीमेंट हो, एसीसी हो, जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट, मिडकैप सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एसीसी में बहुत दिनों के बाद कल हमने देखा था कि उसने 200 दिन की एवरेज क्रॉस की विद अ वॉल्यूम, तो ये आज के दिन में कॉन्सोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि जो 1560 का जनवरी का कॉल लेके बाय करके चल सकते हैं, जो अभी 1550-16 के करीबन ट्रेड कर रहा है, उसमें आप 11 का स्टॉप लॉस रखिए, अपसाइड में 30 का टारगेट रखिए। इस जो पूरा एंटायर सीरीज है उसमें एसीसी में करीबन 38% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और प्राइस में सिर्फ 7-8% का राइज आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्यूमुलेशन डेरिवेटिव साइड से भी हुआ है और आने वाले दिनों में पार्टिसिपेशन दिख सकता है, तो 1560 का कॉल आप लीजिए 1550 पे, स्टॉप लॉस 11 पे और टारगेट आप 30 का रख सकते हैं, और टाइम फ्रेम तीनों पिक का 1 वीक का रहेगा। ओके, चलिए विषय को चेंज कर, स्ट्रेंथ है वहां स्ट्रेंथ है। मन्नापुरम फाइनेंस की एक बार जरा कॉल लेके आइए आप, इसकी 190 की स्ट्राइक की कॉल। मन्नापुरम फाइनेंस अपने ट्रेडिंग करियर के हाईएस्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है और इसका कॉन्फिडेंस देखिए, इसकी इसके ओआई को अगर आप देखें तो इसके ओआई में आज अप्रोक्सीमेटली एडिशन है 2,70,000 शेयरों का, और फिर आप ये देखिए कि इसके ऑप्शंस की एक्टिविटी क्या क्या है। ऑप्शंस की एक्टिविटी ये कहती है इसकी कि 185 की कॉल में 2,58,000 शेयर घटे हैं 185 की कॉल में, और इसकी 190 की जो कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल है इसमें करीब 1,98,000 शेयर जुड़े हैं, और इस एडिशन का इम्पैक्ट ये है कि इसका 192.50 और 195 का कॉल राइटर जो है वो ऑलरेडी बाहर निकलना शुरू कर चुका है, उसका इम्पैक्ट ये है, याद रखिएगा। दैट मीन्स ये स्टॉक जो है ना एक सब्सटेंशियल, एक स्ट्रांग और एक बहुत अच्छे खासे मूव के लिए फिर तैयार हो रहा है। 187.40 डे हाई पे कारोबार कर रहा है। मेरे को कल भी हमने देखिए एट द मनी कॉल पे काम किया था और आज भी एट द मनी कॉल पे ही काम करेंगे। विनय, एक बार प्लीज इसको जज कीजिएगा, मन्नापुरम फाइनेंस एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना वो स्क्रीन पर है, अभी क्या करना चाहिए? और ये ऑप्शन में अगर लूं तो
तो पॉसिबली 5.5 से 6 रुपए का स्विंग, स्पेशली 6-7 रुपए का स्विंग पॉसिबल है इस ऑप्शन में विनय जी? वीरेन, एक नया ऑल टाइम हाई हमने मनप्पुरम फाइनेंस में देखा है, कंटिन्यूस आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और एक मोमेंटम में है, और जैसे आपने कहा कि अभी मोमेंटम को प्ले करने का टाइम है, तो डेफिनेटली ऑप्शंस में भी अच्छी खासी गतिविधि देख रहे हैं हम। 190 का ऑप्शन जो अभी 3.5 के पे चल रहा है, डेफिनेटली अभी 4 दिन, आज के दिन को छोड़ के अभी 4 दिन ट्रेडिंग सेशन रह गए एक्सपायरी को, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली 5.5 से 6 के टारगेट इज वेरी मच पॉसिबल। तो आप इसको 2 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं और 5.5 से 6 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा भी पसंदीदा स्टॉक है और हमने टाइम टू टाइम इसको हमेशा मिस नहीं किया ट्रेडिंग में। कल ही हमने फ्यूचर का रिकमेंडेशन दिया था हमारे कस्टमर्स को और अच्छे खासे पैसे बने। तो यस, मोमेंटम शुड बी प्लेड एंड मोमेंटम इसमें है डेफिनेटली। तो मनप्पुरम फाइनेंस में एक तेजी का कॉल जरूर से ले सकते हैं। 190 का कॉल यहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है। ओके, 6 रुपए का टारगेट होगा और देखिए धीरे धीरे ये स्विंग देगा। 390 का हाई लगाया, 350 पे ट्रेड कर रहा है और 187.40 मनप्पुरम जो है वो डे हाई पे कारोबार कर रहा है। याद रखिए ये HDFC सिक्योरिटीज का प्रेफर्ड स्टॉक है, तो इसलिए मैंने लिया था ऑप्शंस के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखें, 6 रुपए का टारगेट होगा इस ऑप्शन का और कल फिर बात करेंगे इस ऑप्शन पे। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। याद रखिए एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आशीष वर्मा के साथ देखिए खास पेशकश द स्ट्रीट कंपाउंडर।